डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जगदीश है और मैं लंदन शहर की एक छोटी सी घड़ियों की दुकान चलाता हूँ। इसके मालिक हैं मिस्टर हेनरी, जो अब कोमा में जा चुके हैं, और बहुत बड़ी मुसीबत यहाँ पर आ चुकी है। कोई ऐसा शक्तिशाली भूत है जो सपनों को कंट्रोल कर रहा है। वो हर किसी के दिमाग को कंट्रोल करना चाहता है और हर किसी को सपनों में ले जाना चाहता है। लोग कोमा में जा रहे हैं, उनके माथे पर वो तीसरी आंख का निशान छपता जा रहा है। इस तरह से भविष्य में वो हर इंसान को वहीं पर ले जाएगा। और मैं रास्ता ढूंढना चाहता हूँ कैसे वो सपनों की एक अलग दुनिया बना रहा है। उस पागल खाने में वो लड़का जय, जिसके साथ वो भूत चिपका हुआ है, उसी के साथ रहने वाली एक लड़की मिली जो 24 घंटे के लिए सोई रहती है। वो सपनों की दुनिया बना रही है। उसके पास ऐसी शक्ति थी कि वो सपनों को कंट्रोल कर सकती है, और वो भूत उसी की मदद से सपनों की दुनिया में सबको ले जाना चाहता है। और मुझे उसने मुकाबला करने के लिए कहा है। मैं भी तैयार हूँ हेनरी को बचाने के लिए, पूरी दुनिया को बचाने के लिए, और मैं जानता हूँ मेरी मदद कौन कर सकता है। विक्टर महाजन। 12 घंटे की फ्लाइट लेकर मैं विक्टर महाजन से मिल रहा था। उससे बातें करने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ऐसी बहुत सारी जानकारी विक्टर महाजन के पास थी जो मेरे पास नहीं थी। शायद ऐसी जानकारी तो हेनरी के पास भी नहीं होगी। विक्टर महाजन वो इंसान था जिसे द डेड मैन कहा जाता है, जो नर्क से वापिस आ चुका था, और नर्क की जानकारी भी उसे थी। उसने मुझे बताना शुरू किया, हमारी इस दुनिया के समानांतर ही दूसरी दुनिया चलती है, जहां पर भूत प्रेत पिशाच निवास करते हैं। लेकिन जैसा कि मेरा और हेनरी का मानना हुआ करता था कि यही दो दुनियाएं हैं, विक्टर महाजन ने हमारी आंखें खोली। वो मुझे बता रहा था, ये दो दुनिया ही समानांतर नहीं चलती हैं, यहाँ बहुत सारी दुनियाएं हैं जो समानांतर चलती हैं। हम उसका इस्तेमाल तक करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता। सपनों की दुनिया जो हमसे जुड़ी हुई है, दिमाग का एक हिस्सा हमें सपने दिखाता है। असल में वो सिर्फ याददाश्त नहीं होती, हम अलग दुनिया में सफ़र करते हैं, लेकिन कुछ नियम हैं। उस सपनों में हमें नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता, इसीलिए हम जिंदा उठ जाते हैं। ऐसी ही एक और दुनिया है, नर्क की दुनिया, जो हमारी दुनिया के समानांतर नहीं है बल्कि इसके बहुत ज़्यादा ऊपर है। इसी तरह स्वर्ग, अलग दुनिया, मल्टीवर्स, ऐसी बहुत सारी दुनियाएं हैं जिसके बारे में किताबों में लिखा नहीं जाता। इंसानों को इसकी जानकारी रखना वैध नहीं है, इसलिए इस जानकारी को छिपा दिया जाता है। लेकिन हमें और दुनियाओं में नहीं जाना था, हमें तो जाना था सपनों की दुनिया में। और विक्टर महाजन के पास भी ये जवाब नहीं था कि हम बिना सोए सपनों की दुनिया में कैसे जा सकते हैं। अगर आज मैं सोया तो सपनों की दुनिया में चला तो जाऊंगा, शायद दोबारा उठ नहीं पाऊंगा। मुझे इस तरह से चैलेंज किया गया था, और विक्टर महाजन मेरी मदद तो कर सकते थे क्योंकि उन्हें नींद ही नहीं आती थी। विक्टर महाजन एक ऐसा इंसान था जो बहुत सालों से सोया नहीं था, उसे ज़रूरत ही नहीं थी। हमें ज़िंदा रहने के लिए सोने की ज़रूरत होती है क्योंकि हमारा शरीर थक जाता है, लेकिन विक्टर महाजन थकता ही नहीं था। लेकिन उसके पास एक छोटा सा जवाब था जो हमारे काम आ गया। उसका कहना था, पूरी दुनिया में अलग अलग देवी देवताओं की जगह बनी हुई है। जिस तरह से स्वर्ग की देवी, नर्क का राक्षस, उसी तरह से सपनों की देवी का मंदिर इजिप्ट में है। वहाँ पर माना जाता था कि सपनों की देवी लोगों को ऐसी जगह पर ले जाती थी जो वो हमेशा सोचा करते थे। असल जिंदगी में वो जो जी नहीं पाते थे, सपनों की दुनिया में उन्हें वो मिलता था। यहाँ पर भले ही उन्हें खाने को कुछ ना मिले, लेकिन एक रात के सपने में वो 80 से 90 साल की जिंदगी जी आते थे, हर खुशी पा लेते थे। और यहाँ पर वो सपनों की देवी की सेवा किया करते, क्योंकि सपनों की देवी एक एक दिन में लंबी लंबी जिंदगियां उन्हें दिया करती थी। हमें भी अब इजिप्ट जाना होगा और उसके बारे में ज़्यादा जानकारी ढूंढनी होगी।
मैं और विक्टर महाजन सीधा इजिप्ट पहुंच गए थे। ये बहुत दूर था हमारी सोच से। हम बड़ी फ्लाइट लेकर वहां पहुंचे थे और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। पिछले बहुत घंटों से मैं सोया नहीं था। मुझे डर था मैं एक बार सो गया दोबारा उठ नहीं पाऊंगा। उस मंदिर में पहुंचते ही मुझे झपकी सी लग रही थी। वहां भीड़ बहुत ज़्यादा कम थी। लोग अब मानते नहीं कि पुराने ज़माने में देवी देवता हुआ करते थे, इसीलिए यहाँ पर भीड़ कम हो चुकी है। उस मंदिर में पहुंचते ही दीवारों पर छपी हुई वो आकृतियां पहचान में आ रही थीं। वहां इस तरह के घर बने हुए थे जो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहे हों, लेकिन हाथ में छोटे छोटे टुकड़े पकड़े कुछ ऐसे इंसान दिखाए गए थे जो इस बात को दिखा रहे थे कि ये असली दुनिया नहीं है, सपनों की दुनिया है। वो पेड़ों को हाथों से बना रहे थे, छोटे छोटे कणों को पकड़कर पेड़ बना रहे लोग इस बात को दर्शा रहे थे कि वहां आप सपनों की दुनिया में जो चाहे बना सकते हैं। ये सपनों की देवी किसी समय यहां पर रही होगी, शायद उसके पास भी जैलीसा जैसी शक्ति होगी, वो भी सपनों को कंट्रोल कर पाती होगी। कौन से इंसान होते हैं जो इस तरह सपनों को कंट्रोल कर पाते हैं? ये शक्ति वो कहां से ढूंढ लेते हैं? ये जवाब शायद आज यहां पर मिल ही जाता मुझे। और इसी पुराने मंदिर के पास एक लाइब्रेरी बनी हुई थी। उस लाइब्रेरी में इस मंदिर की सारी पुरानी किताबें पड़ी थी। इस पर की गई रिसर्च, पुराने ज़माने की कलाकृतियाँ, उसमें लिखे गए शब्द उस किताब में डाले गए थे और वो किताब हमें आसानी से मिल गई, लेकिन ट्रांसलेट करने में समय लग रहा था। मुझे बार बार हल्की हल्की झपकियाँ सी लग रही थी। उस किताब को सामने रखे मैं ट्रांसलेट कर रहा था और ये बोरिंग काम था, लेकिन एक झटके में जब मेरी आँख बंद हुई मुझे एक अजीब सी दुनिया दिखी थी। उस दुनिया में मुझे जय दिखा था जिसका आकार बहुत ज़्यादा बड़ा था। वो समंदर के बिल्कुल बीच खड़ा था और उसकी टांगें समंदर से बाहर थी, इतना विशाल था। अपने हाथ में चांद को पकड़े हुए वो उंगलियों से घुमा रहा था और एक उंगली से मुझे इशारा कर रहा था, समय आने वाला है, वक्त नज़दीक है, सब यहीं होंगे, तुम भी। इस दृश्य को देखकर मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई और मेरी आँख भी खुल गई। मैं सामने उस किताब को ट्रांसलेट और भी तेज़ी से करने लगा और विक्टर महाजन बार बार मेरी आंखों में पानी मारकर कहे जा रहा था, सोना नहीं है, अगर तुम एक छोटी झपकी से ज़्यादा सो गए तो सोते रह जाओगे। अब हम मोबाइल से ट्रांसलेट कर रहे थे उन पेजेस को और वो फोटोज सेव करते जा रहे थे। विक्टर महाजन उसे ट्रांसलेट करने लग पड़ा था और मैं उन पेजेस को पढ़ने लगा था। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम था, इस कारण अब झपकी लगने का कोई भी रीज़न नहीं था। मैं वो ट्रांसलेट किए हुए पेजेस को पढ़ता जा रहा था। ये कहानी थी पुराने ज़माने की। एक रानी थी जिसे यहाँ पर पूजा जाता था, लेकिन उसके पास बड़ी सल्तनत नहीं हुआ करती थी। आसपास के राजाओं ने उसके महल पर हमला कर दिया था और राजा को मौत के घाट उतार दिया था। बचपन से ही उस रानी के पास एक शक्ति थी। वो 16 से 18 घंटे तक सोया करती थी। दिन में कुछ ही क्षण वो जागा करती, हमेशा सोए रहा करती। उसका राजा भी उससे बहुत प्यार करता था, क्योंकि वो राजा भी जब सोता था उसके साथ एक जिंदगी जी कर आता था। हर रात वो अलग दुनिया में जाकर अलग जिंदगी जी कर आते। सपनों में उन्होंने बहुत सारे ब्रह्मांडों का निर्माण किया हुआ था। वो सब सपने देखते थे एक बड़े महल के, और सपनों में उन्हें वो बड़ा महल मिलता, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा टूटा हुआ महल जिसके पास कोई फसल तक ना उगा करती। इस रेगिस्तान में छोटी मोटी फसल उगती जिसे खाकर गुजारा करना पड़ता, और यहाँ के जितने भी लोग थे वो भूख से धीरे धीरे तड़पने लगे थे। भले ही वो रानी सपनों में उन्हें बहुत कुछ दिखाती थी, लेकिन असल में उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं मिलता था। तब तक उस रानी की शक्ति इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो किसी एक को ही सपने दिखा पाती थी। लेकिन आसपास के राजाओं ने ज़मीन के लिए उस राजा पर हमला किया, उसे मौत के घाट उतार दिया। उस रानी को वो मारना नहीं चाहते थे, वो उसे अपनी हरम में रखना चाहते थे, वो अपने कब्जे में रखना चाहते थे और उसे शादी करना चाहते थे। वो रात भयानक थी। जब उसके पति को मारा गया था तो उसके काट कर छोटे छोटे हिस्से कर दिए गए थे, वो उसकी आंखों में छप गए। और उस रात जब वो सोई थी, इस सल्तनत के आसपास पड़ती 100 सल्तनतें, वो राजा जिन्होंने यहाँ हमला किया था, उन्हें एक ऐसा भयानक सपना आया था। वो उस सपने में गढ़ते चले गए थे और उन्होंने
हजारों सालों तक सजा भुगती थी सपनों में, उन्हें तड़पाया गया था, उन्हें जलाया गया था, उन्हें मौत के घाट उतारा गया था। और एक ही रात जब वो उठे थे, वो तड़प रहे थे, वो पागल हो चुके थे। 100 सल्तनतों के राजा एक साथ पागल हो गए थे। लेकिन उस रानी का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उसके बाद उस 100 सल्तनत के लोगों को भी वो तड़पाती गई, सबको सजा देती गई। हर रात लोग सोने से डरा करते थे, उन्हें जब भी सपने आते उन्हें दर्द मिलता। सपनों में वो पागल तक होने की कगार पर पहुंच जाती, वो रानी अंत में छोड़ देती। वहां सैकड़ों सालों तक सपनों में उन्हें सजा मिलती और वो सपनों से बाहर तक ना आ पाते। लेकिन असल में सिर्फ एक ही रात गुजरी होती। कुछ ही हफ्तों में लोग उसके पास माफी मांगने के लिए आने लगे थे। 100 सल्तनतें उसकी सल्तनत से जुड़ गई थी, उसका महल विशाल बन गया था, उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। लेकिन तब उसे एहसास होना शुरू हुआ कि अंत में उसके हाथ में कुछ नहीं था। चाहे ये सपनों की दुनिया हो या असली, धन कभी भी खुशी नहीं होता। खुशी आपका परिवार होता है, आपकी जिंदगी होती है। और उसका पति उसे छोड़कर जा चुका था, लेकिन उसका बेटा अब भी छोटा था जिसे वो पालना चाहती थी। और अब उसे लोगों पर रहम आ गया, लोगों को वो सब कुछ देना चाहती थी जो उसने सपनों में संजोया हुआ था। उसके बाद लोगों को उसने धन देना शुरू कर दिया, घर बनाना शुरू कर दिया और 100 सल्तनतों को एक सल्तनत में जोड़ लिया। विशाल सम्राट सल्तनत, ये नाम था उसका। लेकिन अब रानी को भी पछतावा होने लगा था। उसे ये शक्ति अब एक वरदान नहीं, एक शाप लगने लगा था। हर रात वो सपनों में जाती। जब सब कुछ आपके कंट्रोल में हो तो जीने का मजा नहीं आता, और वो ये जान गई थी। तब उसने ठान लिया था वो सपनों को अकेला नहीं चलाएगी, वो एक ऐसा रास्ता ढूंढेगी जिससे दूसरे भी उस सपने को चला सकें। तब उसने इस मंदिर का निर्माण किया था। इस मंदिर के बिल्कुल बीच में एक ऐसा चक्र बना हुआ है जिस पर पानी डालने के बाद वो सपनों का द्वार खुलता है। हम अपने होश और आवाज में सपनों में जा सकते हैं। वो सपनों की दुनिया की शक्ति उसने वहीं पर कैद कर दी थी, जिसके बाद और लोग भी सपनों का इस्तेमाल कर सके। अगर हम सोकर सपनों में जाते हैं तो हमारा सपनों पर कोई कंट्रोल नहीं होता। उस दुनिया में हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, इसी दुनिया की तरह वहां पर भी हमें जीनी पड़ती है। वही काम वो रानी किया करती थी, लेकिन अब वो थक गई थी। अब वो चाहती थी कि लोग वो काम करें। इसके बाद इस द्वार का इस्तेमाल इंसान करने लगे और वहां सृष्टि निर्माण होने लगा। लेकिन इंसानों की फितरत होती है, जब सब कुछ उनके हाथ में आना शुरू हो जाता है तो वो उसका गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। पहले कुछ सालों तक तो सपनों की उस दुनिया को बहुत ही सुंदर बनाया गया। वहां स्वर्ण मंदिरों का निर्माण हुआ, स्वर्ण घरों का निर्माण हुआ, वहां सोने से बने हुए पेड़ थे। स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर दुनिया बना ली थी उन्होंने। लेकिन उसके बाद वहां भी युद्ध शुरू होने लगे। इस द्वार का इस्तेमाल करके आधी से ज्यादा जनता वहां पर जाना शुरू हो गई, वहां जीनी शुरू हो गई। शक्तियों को वो वहां अनंत स्तर तक बढ़ा सकते थे और वो ऐसा करते गए। वहां पर सृष्टि विनाश हुआ और इंसान भी उस दुनिया में खत्म हो गए। जो इंसान वहां पर इस द्वार के रास्ते से जाते थे वो कभी लौट नहीं पाए, और जो सोकर जाते थे वो हमेशा के लिए सोए रह गए एक तीसरी आंख के साथ। वही तीसरी आंख जो हमारे दिमाग के बिल्कुल अंदर चावल के दाने के बराबर होती है। इसके बाद उस रानी ने इस द्वार को बंद कर दिया और भविष्य के लिए ऐसा ताला लगा दिया जिसे एक सूझबूझ भरा इंसान, जिसके पास विशाल शक्तियां हों, वही खोल सके और वही चला सके। अब सवाल ये था कि यहां पर हम सपनों का द्वार कैसे खोल सकते हैं? आखिर कैसी शक्ति यहां पर कैद की गई है? उस मंदिर के बिल्कुल बीच में गोल आकार का पत्थर का एक चक्र सा बना हुआ था, उसका इस्तेमाल कैसे करना है हम जानते नहीं थे। उस किताब को ट्रांसलेट करने के बाद भी कहानी का पता चल गया था, लेकिन वहां दरवाजा कैसे खोलना है ये हम जान नहीं पा रहे थे। उस पत्थर को हम दोनों ने हाथ से उठा लिया था, उसका वजन 15 से 20 किलो तक का था, और वहां लोग हमें मना कर रहे थे कहीं ये टूट ही ना जाए। फिर भी इसकी मान्यता बहुत कम थी,
लोग इसे अंधविश्वास माना करते थे और कई लोगों का कहना था सपनों की कोई दुनिया नहीं होती, इसलिए ज्यादा लोगों ने रोका नहीं। हमने वो चक्र उठा लिया और उसके बाद हम रास्ता ढूंढने लगे। कहां से सपनों के द्वार का रास्ता हो सकता है? उसके बिल्कुल बीच में छोटा सा छेद बना हुआ था। उस छेद में हमने हाथ डालकर भी देख लिया। अब समझ से बाहर हो रहा था सब कुछ। कौन सा शक्तिशाली इंसान सपनों के द्वार को खोल सकता है? हम दोनों के पास जवाब नहीं था। उस पत्थर को जमीन पर रखने के बाद उस पर उकेरे गए शब्दों को मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा था। उन शब्दों को मैं दोहराए जा रहा था, शायद ये कोई मंत्र हो। उन्हें दोहराता रहा लेकिन वो काम नहीं बना। अब मुझे बहुत ज्यादा नींद चढ़ने लगी थी और आंखों से आंसू भी निकलने लगे थे, क्योंकि ये नींद शायद दोबारा ना खुले। मैं उसी पत्थर पर ध्यान से उन शब्दों को पढ़ रहा था और मेरी आंखें बंद होती जा रही थी। तभी मुझे एक झपकी सी लगी। मैं फिर से उस दुनिया में था, लेकिन मेरे सामने वो जय जैसा लगने वाला भूत नहीं था। यहाँ बहुत अच्छी एक पहाड़ी सी थी जिसके शिखर पर मैं था। उसके ऊपर आसपास बहुत सारी घास लगी हुई थी। सामने एक झोंपड़ा सा था, बहुत सुंदर सा झोंपड़ा। ये जगह पहचान में आ रही थी। ऐसा सपना मैं कई बार देखता हूँ। ये शायद एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ, और मेरी आंखों के सामने वो जगह थी। मैं धीरे धीरे चलता हुआ उस झोंपड़े के अंदर गया। मैं डर रहा था शायद ये भी उस भूत की कोई चाल हो, लेकिन ऐसा नहीं था। उस दरवाजे को खोलते ही मुझे महसूस हो गया उसके अंदर भी वो हर चीज़ थी जो मेरे घर में है। वो चीज़ों के साथ मैं ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, ऐसी खाली जगह पर जहाँ पर मुझे कोई चिंता ना हो। मेरे मन का सपना मुझे दिखाया जा रहा था। तभी मैं इस नींद से जागना चाहता था। मैं कोशिश करता जा रहा था आखिर इस नींद से कैसे जागूं, लेकिन कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मैं क्या पहाड़ी से छलांग लगा दूं? हमारा सपना ऐसे ही टूटता है ना, या यहाँ से अपने आप को मारने की कोशिश करूं? कैसे टूटेगा ये सपना? लेकिन उस झोंपड़े के आगे ही वैसा ही गोल आकार का पत्थर पड़ा था जिसके बीच में छेद था। ये तो उस मंदिर के अंदर रखा हुआ गोल चक्र है, लेकिन सपने के अंदर भी मुझे ये दिखाई दे रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सपने में ये दिखाई देगा। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया। मैं उस पत्थर के पास गया, उसके ऊपर लेट गया। जैसे ही मैंने आंख बंद की, मेरी आंख खुली उसी मंदिर के उस पत्थर के ऊपर। विक्टर महाजन बहुत ज्यादा हैरान था और मेरी तरफ देख रहा था। तुम कहाँ गायब हो गए थे? अभी तो तुम इसके ऊपर पड़ रहे थे और मेरी आंखों के सामने से गायब हो गए। तुम कहाँ गए थे? ये कैसे किया तुमने? मैं भी हैरान था। क्या मतलब? मुझे अभी सपना आया था, मैं सपने के अंदर था, वैसा ही मेरी पसंद का झोंपड़ा। लेकिन विक्टर महाजन कह रहा था तुम सपने में नहीं थे, तुम्हारा शरीर भी यहां से गायब हो चुका था, तुम कहीं जा चुके थे। अब मुझे भी समझ में आ गया था आखिर इस सपनों के दरवाजे का इस्तेमाल कैसे करना है। इस पत्थर के ऊपर सोने के बाद आप सपनों की दुनिया में चले जाते हैं सशरीर। मैं अपने शरीर का वहां पर इस्तेमाल कर पाऊंगा। अब मैं अपनी मर्जी से सपनों को चला भी पाऊंगा। शायद इस रास्ते से मैं उस भूत से भी टकरा पाऊं, क्योंकि सपनों का पूरा कंट्रोल उसके पास नहीं होगा। मैं भी सपनों में छेड़खानी कर पाऊंगा। मैं फिर से उस पत्थर पर लेटना चाहता था और उससे पहले विक्टर महाजन को खास संदेश देना था। ध्यान रखना, यहाँ पर किसी को आने मत देना। तुम्हारे पास वो कार्ड है ना, वो कार्ड दिखा देना। बाहर जितने सिक्योरिटी गार्ड हैं उन्हें कह देना यहाँ अंदर कोई नहीं आना चाहिए। मैं कुछ ही समय के लिए जाने वाला हूँ, तुम्हें तो पता है यहाँ पर बीता एक घंटा सपने में कितना लंबा समय होगा। तुम्हें मेरे शरीर की रक्षा करनी होगी, तुम्हें इस पत्थर की रक्षा करनी होगी, क्योंकि मेरा शरीर यहीं पर उत्पन्न होगा। लेकिन अगर ये पत्थर तोड़ दिया गया तो सपनों में भी ये दरवाज़ा टूट जाएगा और फिर कोई और रास्ता निकालना होगा इस दुनिया में आने का। तुम्हें सुरक्षा करनी होगी इस पत्थर की। ये कहते ही मैं उस पत्थर पर लेटा और मुझे नींद तो बहुत ज़्यादा आ रही थी। एक झटके में मैं वहीं पहुँच गया जिसके बारे में मैं सोच रहा था, लंदन की सड़क। मैं लंदन में जाना चाहता था और यहाँ पर सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। भले ही ये सपनों की दुनिया हो, लेकिन यहाँ पर भी कुछ लोग थे। अमूमन लंदन की सड़कों पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है,
लेकिन यहाँ पर बहुत कम लोग थे। कुछ लोग मेरी आंखों के सामने से गायब भी हो रहे थे। यकीनन ये वो लोग हैं जो सो रहे होंगे और सपने में इस जगह को देख रहे होंगे, यहाँ पर घूम रहे होंगे। अब मुझे चलकर हेनरी को ढूंढना था। क्या हेनरी सपनों की दुनिया में उसी अस्पताल के अंदर होंगे या अपने घर में होंगे? मुझे इन खास जगहों में जाकर हेनरी को ढूंढना होगा और उन्हें सपनों से बाहर लाना होगा। लेकिन सबसे पहले वो पत्थर को भी संभालना था जिसके ऊपर मैं खड़ा था। उस पत्थर को मैंने हाथ से पकड़ा और दबाने की कोशिश की। सपनों को कंट्रोल कर सकता हूँ ना? हाँ, छोटा हो जा ये पत्थर, छोटा हो जा। मैंने हाथ से दबाया और वो पत्थर इतना नरम था कि बहुत छोटे आकार में आ गया। अब उस छोटे से पत्थर को मैंने जेब में डाल लिया। अब उस जेब में बार बार हाथ डालकर मैं ये भी चेक कर रहा था वो गायब ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर और मुझे क्या क्या करना होगा? हेनरी की आत्मा को ढूंढने के साथ साथ मुझे उस भूत से भी बचना होगा। मैं उस पहले चौराहे के पार ही निकला था और सामने मुझे एक नदी नजर आई। लंदन शहर में नदी कहाँ से आ गई? ये बिल्कुल सड़क के बीच में बह रही नदी थी और इसके किनारे पानी को अपने आप रोक रहे थे। कोई चीज नहीं थी वहां पर, जैसे हवा ही उस बड़े से पानी के बहाव को रोक रही हो। लेकिन अब मैं शहर में आगे कैसे जाऊंगा? तभी मुझे नजर आई एक तरफ लटकी हुई वो रस्सी। उस रस्सी पर चढ़कर मैं ऊपर जा सकता था, लेकिन जैसे ही मेरी नजर आसमान में पड़ी, वहां पर एक बिल्डिंग ऊपर से नीचे की तरफ लटकी हुई थी। ऊपर भी लोग सड़क पर चल रहे थे उल्टे। ऊपर आसमान में भी सड़कें बनी हुई थी और अलग अलग शहर की इमारतें दिख रही थी। वहां पेरिस की आइफल टावर भी मुझे दिखी थी। वहां बुर्ज खलीफा दूर से मुझे दिख रहा था जो नीचे पहाड़ी पर बना हुआ था। ये दुनिया अजीब थी। हमारे सपने अजीब होते हैं, ये तो मेरी सोच से भी परे है। भूत प्रेत की दूसरी दुनिया भी इतनी अजीब नहीं होती जितनी ये थी। अब यहां पर मैं उस अस्पताल को कैसे ढूंढ पाऊंगा, ये मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं अब उस रस्सी के सहारे ऊपर वाली दुनिया में पहुंच गया और गुरुत्वाकर्षण भी अजीब सा था। उस पर पैर रखते ही मैं ऊपर गिर पड़ा। अब मुझे डर था कि नीचे जो लंदन की सड़कें हैं, गुरुत्वाकर्षण वहां मुझे खींच ना ले। यहां एक रेल की पटरी हवा में बनी हुई थी जो चांद की तरफ जा रही थी, और चांद से भी ज्यादा बड़ा मंगल ग्रह चांद के पीछे दिख रहा था। यहां तारे मैं उंगलियों से छू सकता था। अजीब सा था सब कुछ। ये एहसास सपनों में मिलता है, वैसा एहसास आ रहा था। लेकिन तभी मैंने दिमाग में सोचा, काश यहाँ गाड़ी होती, मैं गाड़ी से इन रास्तों को जल्दी पार कर पाता। मेरी सोच के कारण ही पीछे से एक गाड़ी आ भी गई, और मैंने जैसे ही उस गाड़ी को छुआ, उस गाड़ी के अंदर जो इंसान उस गाड़ी को चला रहा था वो गायब हो गया। शायद वो नींद से उठ गया होगा। लेकिन जो मैंने सोचा था वैसी गाड़ी वहां पर आ चुकी थी। उसके बाद मैंने फिर से सोचा, काश मेरे पास बाइक होती, मैं छोटे रास्तों से भी गुजर पाता। तभी मेरा ध्यान पड़ा एक तरफ बाइक भी अपने आप कहीं से प्रकट हो चुकी थी। ये सपने हैं, जो हम सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। मैं उस बाइक पर बैठ गया और सामने वाले रास्ते पर बाइक चलाने लगा। कई नदियां, खाइयां, पहाड़ यहां पेरिस की सड़कों के बीच में और बुर्ज खलीफा के शिखर पर मैं मोटरसाइकिल से पहुंच गया था। अब मैं नीचे उतर रहा था उस बाइक के सहारे, उन कांच की खिड़कियों के ऊपर से बाइक चलाता हुआ। किसी ने सोचा नहीं होगा बुर्ज खलीफा से नीचे ऐसे भी उतरा जा सकता है, लेकिन सपनों में गुरुत्वाकर्षण बड़ा अजीब तरह से काम करता है। मैं अब अजीब अजीब रास्तों को चुन रहा था, वहां पर बाइक चला रहा था। रास्ते में पानी भी आया और मैंने आंखें बंद करके कह दिया, पानी की अगर बर्फ बन जाए मैं उस पर बाइक चला सकता हूँ। वो पानी, वो नदी की ऊपरी परत अपने आप बर्फ बन गई थी। उसके ऊपर बाइक चलाकर मैंने नदी पार कर ली थी। मैं सामने सोच रहा था, कहाँ है रास्ता उस अस्पताल का, और अस्पताल का रास्ता एक ट्रेन से साथ में मुझे नजर आ गया। उस ट्रेन के ऊपर बोर्ड लगा हुआ था, वही अस्पताल का नाम लिखा हुआ था। मैं उस बाइक के समेत ही ट्रेन के अंदर घुस गया। एक तरफ से मैंने बाइक तेज करके ट्रेन के अंदर मारी, ट्रेन फटी और मैं बाइक लेकर ट्रेन के अंदर। ऐसा ही तो होता है फिल्मों में, और सपनों में वैसे ही दृश्य हमें नजर आते हैं। अब ट्रेन चलना शुरू हो गई थी और वो नज़ारा इतना अजीब था, शायद कभी ऐसे सपने भी मैंने कहीं नहीं देखे। वो ट्रेन समंदर के बीच से, बिल्डिंगों के बीच से
ग्रहों के बीच से निकलती हुई आगे बढ़ रही थी। आसपास ऐसे ऐसे दृश्य, शायद ये सपनों की दुनिया है जहां पर सब कुछ मुमकिन है। सामने वो अस्पताल आ गया और वो ट्रेन इतनी तेज थी कि सीधा जाकर उस अस्पताल से टकराई, एक खिड़की में छेद किया और मुझे एक बेड पर फेंक दिया। वो ट्रेन मेरी गोद में आकर गिरी थी, छोटे आकार की बनके। वहाँ वो ट्रेन बड़ी तेज चलती गई और एक छेद में घुस गई। मैं समझ नहीं पाया ये क्या हुआ। इसी ट्रेन के अंदर तो मैं था। उस ट्रेन के एक तरफ छेद भी दिखा था और वो मोटरसाइकिल भी दिखी थी, लेकिन अब उसका आकार इतना छोटा था कि उस मोटरसाइकिल को मैं उस ट्रेन से बाहर तक ना निकाल पाया और एक छोटे से छेद में ट्रेन चली गई और मैं देखता रह गया। लेकिन मैं तो उस अस्पताल में पहुँच गया था ना जहाँ मैं जाना चाहता था। अब यहाँ पर मुझे कमरा ढूंढना होगा मिस्टर हेनरी का, जहाँ पर वो सपनों में कैद हैं, कोमा में गए हुए हैं। अब मैं किसी से पूछ भी नहीं सकता था, क्योंकि वहाँ पर जितने भी इंसान थे वो उलट पलट कर जवाब दे रहे थे। सब सपनों में थे, इसलिए इसे सपना समझकर वो कभी एक दीवार के अंदर घुस जाते। वहाँ नर्स भी ऐसी थी जो ज़मीन फाड़कर उसके अंदर घुस रही थी। अब मुझे रास्ता बताने वाला कोई नहीं था, तो मैं एक एक करके अलग अलग कमरों में जाने लगा। तभी ऊपर बोर्ड देखे, वो बोर्ड भी अजीब थे। बुर्ज खलीफा में जाने का रास्ता उस बोर्ड पर लिखा हुआ था। आखिर अस्पताल के बीच में बुर्ज खलीफा बना होगा, ये क्या है। मैं लिफ्ट के अंदर गया था और लिफ्ट में 1, 2, 3 ये नंबर नहीं लिखे हुए थे। लंदन, इजिप्ट और इंडिया ये लिखा हुआ था। लेकिन मुझे तो इसी अस्पताल में रहना है, मैं लिफ्ट से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन वो लिफ्ट अपने आप नीचे की तरफ चलने लगी थी। दरवाज़ा तो खुला था और मैं छलांग लगाकर बड़ी मुश्किल से बच पाया था। अब सीढ़ियों का इस्तेमाल ही करना होगा। मैं उसके बाद सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। मैं सीढ़ियों पर चढ़ता जा रहा था और वो सीढ़ियाँ अपने आप खिसक कर नीचे आती जा रही थी। मैं कोशिश करता गया, लेकिन हर बार जितना ऊपर मैं जाता वो सीढ़ियाँ मुझे फिसला कर नीचे तक पहुँचा देती। मैं इस मंजिल से ऊपर जा ही नहीं पा रहा था। कुछ समय ऐसे ही बर्बाद करने के बाद मैं सोचने लगा, यहाँ सपनों में सब कुछ अजीब तरह से काम करता है, आखिर मैं ऊपरी मंजिल पर कैसे जाऊँ। मेरे ख्याल में आने लगी वो हॉलीवुड की मूवीज़, हम बाहर से भी तो जा सकते हैं। इसके बाद एक खिड़की से मैं बाहर निकला और गुरुत्वाकर्षण उस अस्पताल के बाहर अजीब तरह से काम कर रहा था। मैं उस दीवार पर चल पा रहा था। उस दीवार पर ऊपर की तरफ मैं चलता चलता दूसरी मंजिल पर गया। कुछ खिड़कियों से मैं अंदर देखने लगा और मैंने एक कमरा पहचान लिया। ये दूसरी मंजिल का कमरा है और इसके साइड वाले कमरे में ही हेनरी को रखा गया है। एक खिड़की के सहारे मैं अंदर चला गया और उस कमरे में गुरुत्वाकर्षण उल्टा हो चुका था। मैं सिर्फ छत पर चल पा रहा था। अब मैं छत के पास से चलता चलता उस दरवाजे तक जाना चाहता था, लेकिन दरवाज़ा हमेशा नीचे की तरफ बना होता है, इसलिए यहाँ मेरे हाथ से भी ऊपर दरवाज़ा था। अब इस दरवाजे को कैसे पकड़ूं? इसके बाद आगे वाले रास्ते पर कैसे जाऊं? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन तभी एक दरवाजे के पास कपड़ा पड़ा था। अब उस कपड़े को मैंने बड़ी मुश्किल से खींचा और दरवाजे की कुंडी पर फंसाकर लटकता लटकता उस दरवाजे के पार गया और पार जाते ही सीधा धड़ाम करके नीचे गिर गया, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल सही था। अब मैं उस गली के सहारे सीधा उस दरवाजे के पास पहुँचा जिसके अंदर शायद हेनरी होंगे। मैं उस दरवाजे को खोलना चाहता था, लेकिन उसके आगे एक काले सूट में आदमी खड़ा था। मैं दरवाजे को हाथ लगाने की कोशिश करता और वो आदमी कह देता, सर आप इसके अंदर नहीं जा सकते, सरकार की तरफ से आदेश है, आप इस दरवाजे को खोल नहीं सकते। अब ये क्या बला है, इसे ज़रूर भगाना होगा, ये भी सपने का एक हिस्सा ही तो होगा। मैं भाग कर गया और उसे धक्का देकर एक तरफ फेंकने लगा, लेकिन वो तो पत्थर की तरह जमा हुआ था, हिल ही नहीं रहा था। तभी उसने एक बड़े से प्रेत का आकार बना लिया। वो मुझे डराकर वहां से भगाना चाहता था, लेकिन मैं तो दरवाजे के पार जाना चाहता था। उससे मैं धक्का मुक्की होने लगा और उसकी शक्ति भी काफ़ी ताकतवर थी, लेकिन मैं जो सोचता मेरे हाथ में वो चीज़ आ जाती, कभी एक बड़ा सा बेलन तो कभी एक लोहे की रॉड। मैं उस पर बरसाता जा रहा था और वो भी काफ़ी अजीब था। वो अपने रूप बदल सकता था, कभी बड़े रूप में आ जाता, कभी छोटे रूप में आ जाता, कभी कुत्ता बनकर मेरी एक बाजू को काटने लगता, कभी एक शेर के आकार में मुझ पर जैसे वजन बढ़ाने लगता।
अब मैं उसके ऊपर लेटने लगा था और उसे धक्का देकर बस दरवाजा खोलना चाहता था। तभी उसने कहा, तुम सपने के बाहर कब जाओगे? मैं भी उससे बहस करने लगा, मैं नहीं जा सकता, मुझे इस दरवाजे के पार जाना है, बड़ी मुश्किल से आया हूं यहां पर। और इसके बाद उसने इंसानी रूप इख्तियार कर लिया और हाथ में बड़ी बड़ी तलवारें। तुम मरने के बाद ही सपने से बाहर जाओगे, ऐसे तुम्हारा सपना टूटने वाला नहीं, बड़े ढीठ लगते हो। और मैंने अपने हाथ में एक बड़ी सी शॉटगन देखी और इस शॉटगन को देखकर वो हैरान हो गया, तुम ये कैसे कर पा रहे हो, तुम सपनों पर कंट्रोल कर सकते हो? मैंने भी उसकी तरफ हैरानी से देखा, तुम कैसे किरदार हो सपने के, तुम्हारा सपना भी टूट नहीं रहा? मैंने उस पर गोली बरसाई लेकिन उसका सपना नहीं टूटा, वो यहीं का वासी था और उसने भी मुझ पर वार करने की कोशिश की और मैंने उसकी दोनों तलवारें बंदूक से उड़ाकर रख दी। तब वो सामने खड़ा होकर कहने लगा था, तुम सपने में यहां पर नहीं आए हो, कैसे आए हो तुम? मैंने भी उसे जवाब दिया, मैं उस सपनों के द्वार से आया हूं अपने सहशरीर के साथ और मैं इस दरवाजे के पार जाऊंगा ही। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा था, हाँ वो तो तुम जाओगे ही, मैं जान गया हूं, तुम जब इस तरह सपनों पर कंट्रोल कर पा रहे थे मैं पहले ही समझ गया था। मैंने भी उससे सवाल किया, हाँ मैं तो उस सपनों के द्वार से आया हूं लेकिन तुम कौन हो? उसने काले चोले में अपने शरीर को बड़ा सा कर लिया था, वो इंसान नहीं था, कोई पिशाच सा लग रहा था लेकिन पिशाच भी ऐसे नहीं होते, उसका रूप ही कुछ अलग सा था। उसने भारी आवाज में जवाब दिया, मैं सपनों की दुनिया में सूक्ष्म स्तर का दरबान हूं, इस दरवाजे के पार सपनों की असली दुनिया है जहां पर जाने के बाद बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता, ये सूक्ष्म स्तर है जहां पर हर रात कोई सपनों में आता है और सपना टूटने के बाद उठ जाता है, यही सपनों की दुनियाएं हैं जो लोगों को नजर आती हैं, लेकिन इस दरवाजे के पार तुम उस दुनिया में जाओगे जहां पर फंसने के बाद शायद सालों साल दशकों दशक तक तुम वहीं पर रहोगे, जाना चाहोगे उस दुनिया में? मैंने भी कह दिया, हाँ वहीं जाने के लिए तो आया हूं, मैं वहीं जाना चाहता हूं, मुझे भी लगा था ये सपनों की वो दुनिया नहीं है जहां पर वो जय जैसा दिखने वाला अपनी दुनिया बसा रहा है, यहां तो वो नजर तक नहीं आया। वो भी मुस्कुरा रहा था और उसने अपने हाथ से वो दरवाजा खोला था और मुझे जाने के लिए कहा था, तुम जा सकते हो, ये दरवाजा हर किसी के लिए नहीं खुलता लेकिन तुम्हारे लिए खुल रहा है। लेकिन उस दरवाजे के अंदर जाने से पहले मैं उससे कुछ सवाल करना चाहता था, जितनी ज्यादा जानकारी मुझे मिल पाए उतना ही तो अच्छा होगा। मैंने उससे सवाल किया, क्या तुम इस दरवाजे के दरबान हो? लेकिन इस दरवाजे को हर कोई थोड़े ना खोल सकता है, हर कोई ढूंढ नहीं सकता है, यहां इस अस्पताल का ये दरवाजा है वो असली दूसरी दुनिया में, वो असली सपनों की दुनिया में जाने के लिए। तो उसने कहा, नहीं कई दरवाजे हैं लेकिन वो सब दरवाजे पहेली के रूप में होते हैं, वो इंसान जो लंबे सपने को जी सके, यहां सशरीर आ सके, वो इन दरवाजों को पहेलियों के रास्ते से ढूंढ सकता है। आम इंसान सपनों को कुछ ही घंटों में तोड़ सकते हैं, उनकी नींद इतनी ही होती है, इसलिए ये सूक्ष्म स्तर तक रहते हैं, इस दुनिया में भटकते हैं और वापस सपना टूटने के बाद चले जाते हैं। सशरीर जाने वाले पहेली के रूप में दरवाजे को ढूंढ सकते हैं, उनकी इच्छा इस दरवाजे से जुड़ी होती है। तुम जरूर एक इच्छा लेकर इस दरवाजे को खोलने के लिए आए हो, इसके पीछे तुम किसी को ढूंढ रहे हो, इसीलिए इस दरवाजे के पार तुम्हारे लिए एक रास्ता बन गया है, तुम अब असली सपनों की दुनिया में जा सकते हो। हर कोई यहां इस दरवाजे का इस्तेमाल नहीं कर सकता, जो साधारण सोकर सपने देखने के लिए आते हैं उनको मैं कभी भी इस दरवाजे के पार जाने नहीं देता, अगर वो इच्छा के साथ आए तो हमसे युद्ध नहीं कर सकते, हम दरबान हैं, शक्तिशाली जो सपनों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे तुम हाथ में शॉटगन ला सकते थे उसी तरह सपनों में आए आम इंसान ये नहीं कर सकते, इसलिए यहां मरने के बाद उनका सपना टूट जाता है और वो वापस चले जाते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए ये रास्ता खुला है, तुम आगे जा सकते हो, जो काम करने के लिए आए हो कर सकते हो। लेकिन याद रखना, बाहर आने का दरवाजा अपने पास रखना, जहां से तुम आए हो, जो तुम्हारी जेब में है किसी को देना मत,
वहां बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो दरवाजा तुमसे दूर करना चाहेंगी और हमेशा के लिए तुम कैद हो जाओगे। बदलाव हो रहे हैं सपनों की दुनिया में, निर्माण चल रहा है दोबारा से, ध्यान रखना। ये उसने कहा था और उसके बाद मैंने कदम आगे की तरफ बढ़ा दिए थे। उस दरवाजे के पार वो कमरा था अस्पताल का और बेड पर लेटे हुए मिस्टर हेनरी। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ हेनरी के पास जा रहा था। उनकी वो चमक, माथे पर बना हुआ वो निशान, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सपना टूट गया हो और मैं अपनी असली दुनिया में आ चुका हूं। सब कुछ असली असली सा था। मैं हेनरी के पास गया, वो शायद कोमा में थे। उन्हें थोड़ा हिलाया और उनकी आंखें खुल गई। मुझे देखकर हेनरी बहुत ज्यादा हैरान थे और उठ खड़े हुए। तुम यहां पर क्या कर रहे हो? तुम यहां कैसे आए? क्या तुम सपने में हो? मैंने कहा, नहीं, मैं सपने में नहीं हूं, मैं सशरीर यहां पर आया हूं, सपनों की दुनिया। हेनरी बहुत ज्यादा खुश थे और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया, लेकिन तभी मुझे दूर किया और उनकी आंखें नम थी। वो कह रहे थे, यहां से वापस चले जाओ, अगर तुम्हारे पास रास्ता है तो वापस चले जाओ, यहां आने की तुम्हें जरूरत नहीं थी। मैं भी हैरानी में कहने लगा था, आप यहां पर कैद हैं, मैं आपको छुड़ाने के लिए कैसे नहीं आता? चलिए मेरे साथ, आप कोमा में हैं, मैं आपकी सात्मा को यहां से ले जाने आया हूं, दोबारा आप जिंदा हो जाएंगे। लेकिन हेनरी उस बेड पर बैठ गए थे, मायूस चेहरा लेकर वो मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे थे, मैं नहीं जा सकता, कुछ गलतियां की हैं मैंने जिंदगी में और उसकी सजा मुझे ये मिल रही है, मैं नहीं जा सकता, मुझे सजा यहीं भुगतनी होगी। मैं हैरानी में उनसे पूछ रहा था, आपने क्या किया है? आपने कुछ नहीं किया, आपको यहां पर फंसाया गया है, गलत बताया गया है, यकीनन आपको यहां पर कैद किया गया है। लेकिन हेनरी मान नहीं रहे थे और उसके बाद उन्होंने बोलना शुरू किया, वो तीन राज उसके हैं, उसी के कारण वो ये सपनों की दुनिया बना रहा है, वो मुझे भी सजा दे रहा है क्योंकि उसके बनने में मेरी भी गलती थी। मैंने कहा, क्या गलती थी, बताइए क्या गलती थी? लेकिन तभी उनका मुंह जैसे सिल चुका था, उनके होंठ हिल नहीं पा रहे थे, वो बता नहीं पा रहे थे। उनका मुंह फटा और उसके अंदर से एक चेहरा निकला, ये जय जैसा दिखने वाला वो प्रेत था जो अपना शरीर उनके मुंह से निकाल चुका था और पूरा शरीर उनके मुंह से निकला और मेरे सामने खड़ा हो गया, बिल्कुल जय का हम शक्ल, और हंसता हुआ कह रहा था, स्वागत है हमारी इस दुनिया में, तुम भी आ गए, सब यहीं पर आएंगे, अलग दुनिया, यहां सच्चाई के लिए वरदान मिलेंगे और बुराई के लिए शाप, जो सोचोगे वो मिलेगा। तुम्हारी उस दुनिया में किसी को क्या मिलता है? सच्चों को बुरी चीजें मिलती हैं और बुरे लोगों को दुनिया की सारी अच्छी चीजें मिल जाती हैं। हमारी ये दुनिया सिर्फ वही लोगों के लिए बनेगी जो चाहते हैं अच्छा अपनी जिंदगी में। जो अमीर बनना चाहते हैं वो अमीर बनेंगे, जो गरीब रहना चाहते हैं वो गरीब रहेंगे, सजा भुगतेंगे मुजरिम, सब कुछ अच्छा होगा, सारी दुनिया के लोग यहां पर आने वाले हैं और तुम भी अब अपनी दुनिया में कोमा में जा चुके होगे, तुम्हारे माथे पर भी वो निशान बन गया होगा, तुम बेहोश पड़े होगे कहीं पर। मैं हैरान भी था और उसको जवाब भी दे रहा था, कौन सा कोमा में, मैं सशरीर आया हूं यहां पर। ये शब्द सुनते ही उसे जैसे धक्का सा लगा था, वो हैरान ही हो गया था, कैसे आ सकते हो, तुम्हें नींद आ रही थी, तुम सो गए होगे और तब यहां पर आए, लेकिन मुझे पता क्यों नहीं चला, सच बताओ कैसे आए हो? मैंने भी कह दिया, वो सपनों के द्वार से आया हूं, इसलिए मेरे पास भी वो शक्तियां हैं, मैं यहां पर वो सब कुछ कर सकता हूं जो शायद तुम कर सकते हो। तब वो हंसने लगा था और कहने लगा था, चलो चाहे जैसे भी आए हो, इस कमरे से बाहर नहीं निकल पाओगे, ये सपनों की दुनिया है और मैं यहां का प्रेत।
मैं बियॉन्डर हूं, बियॉन्ड द इमेजिनेशन, तुम्हारी सोच से भी परे, यही रखा है मैंने अपना नाम। अच्छा है ना, अब तुम्हारा जो शरीर है, जो दरवाजे से तुम आए हो, उसे भी खत्म कर ही आता हूं, बस कुछ ही क्षण लगेंगे। मैं घबरा गया था, अगर ये सच में उस दुनिया में अधूरा भी जा सके और वहां पर अगर उसने उस पत्थर को तोड़ दिया तो मेरे लिए हमेशा के लिए दरवाजा बंद हो जाएगा। कहीं ये वही तो नहीं करने वाला, उसने अपना आधा शरीर जैसे हवा के अंदर घुसाया और मैं देख पा रहा था वो आधा उसी मंदिर के अंदर जा चुका था। इसके पास शक्ति थी, इसे दरवाजे की जरूरत नहीं पड़ रही थी, ये खुद ही हवा में दरवाजा बना पा रहा था। ये कैसे कर पा रहा है? और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, उसका आधा शरीर उस दुनिया में तो था, पत्थर को वो छूता उससे पहले विक्टर महाजन ने अपनी बाजू से उसकी गर्दन दबोच ली। ना तो वो पूरी तरह से उस दुनिया में जा पा रहा था, ना ही वो पूरी तरह से खींचकर सपनों की दुनिया में आ रहा था। अब मैं हेनरी को वहां कमरे से बाहर निकालना चाहता था, लेकिन हेनरी हिल नहीं पा रहे थे, वो जमीन से चिपक चुके थे, उनकी टांगें फर्श के रूप में बन गई थी पत्थर की, और वो मुझे आंखों से इशारा कर रहे थे दरवाजे से बाहर निकलने का। शायद दरवाजे से बाहर निकलकर मैं रास्ता ढूंढ पाऊं उन्हें बचाने का और इंसानों को बचाने का जो सपनों की दुनिया में आने वाले हैं, हर कोई कोमा में जाने वाला है। मैं उस दरवाजे के बाहर निकला और वहां अस्पताल की वो गली थी, यहां ना तो गुरुत्वाकर्षण बदल रहा था, ना ही कुछ और, ऐसा लग रहा था ये हमारी ही दुनिया हो। उन सीढ़ियों से उतरते उतरते मैं जैसे ही अस्पताल से बाहर निकला, बाहर की दुनिया बदली हुई थी। ये अस्पताल एक बड़े से गार्डन के बीच में था और ये गार्डन में पहचान नहीं पा रहा था। भागता भागता मैं सड़क पर गया और सड़क के एक तरफ नदी निकली हुई थी और सामने बुर्ज खलीफा। ये दुबई का दृश्य भी यहीं पर बन गया था, लेकिन ये दुनिया हिलती जुलती दुनिया नहीं थी। यहाँ हमारी दुनिया जैसे ही नियम थे वैसा ही गुरुत्वाकर्षण, यहाँ निर्माण चल रहा था चीज़ों का और यहाँ लोगों की संख्या बहुत कम, हर किसी के माथे पर वैसा ही तीसरी आंख का निशान। ये वो लोग थे जो कोमा में जा चुके होंगे और यहाँ पर जी रहे हैं, पैरों में बेड़ियाँ बंधी हुई थी उनके, शरीर से खून टपक रहा था, कैदी बने हुए थे, यहाँ हर कोई कैद में था। मैं बस इधर उधर भागता रहा, मैं अकेला था जो खुला हुआ था। वहाँ कई लोग थे जो पेड़ियों में तो बंधे थे लेकिन उनके हाथ में हथियार थे और वो और लोगों को तंग कर रहे थे, गोलियाँ बरसा रहे थे। गोलियों के असर से भी कोई मरता नहीं बल्कि दर्द को महसूस करता, किसी की गर्दन काट दी जाती और तब भी वो जिंदा रहता तड़पता हुआ। यहाँ ऐसे दृश्य थे जो देखे नहीं जा सकते थे, लेकिन मुझे रास्ता ढूंढना था इस दुनिया में हेनरी को बचाने का, इन सब को रोकने का। कैसे कर सकते हैं, मैं किसी से पूछना चाहता था। एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा बैठा हुआ था जिसके शरीर पर बेड़ियां बंधी हुई थी, उसकी उम्र 80 से 90 साल रही होगी, वो बड़ी मुश्किल से हाथ हिला पा रहा था। मैं भागता हुआ उसके पास गया और सवाल करने लगा, आप ही यहाँ पर आए हुए हैं, आप सपने में थे और यहाँ पहुँच गए, मुझे बताइए यहाँ क्या क्या चल रहा है, आपने क्या क्या देखा है? उसने भी हंसते हंसते कहा था, हमारी सजा मिल रही है हमें, और सजा दे रही है महारानी, सपनों की दुनिया की महारानी। वो सामने देखो, वो महल जो बादलों के भी ऊपर तक जा रहा है, वहाँ है सपनों की महारानी, उसने ही सृष्टि निर्माण किया है, और वो प्रेत जो उसका आशिक है, इन दोनों ने यहाँ ये निर्माण किया है और यहाँ से किसी को वो जाने नहीं देते। तुम्हारी बेड़ियाँ कहाँ हैं? तुम बेड़ियों में नहीं बंधे? मैं अपने पैरों की तरफ देख रहा था और मैंने उसके पैरों की तरफ देखा, यहाँ हर इंसान के पैरों में बेड़ियाँ थी, सिर्फ मेरे ही नहीं थी। मैं भाग सकता था, मैं दूर तक जा सकता था और ये सब ऐसा नहीं कर सकते थे। हर किसी की आस मुझ पर थी और मैं उस महल की तरफ भाग निकला था। सपनों की रानी जैलीसा, मुझे उसके पास जाना होगा, यकीनन वो हमारी दुनिया में सो रही है और यहाँ पर इस महल के अंदर है, क्या कर रही होगी वो?
मैं बड़ी मुश्किल से उस बड़े महल की सीढ़ियां चढ़ पा रहा था। 8-8 फुट की सीढ़ियां कोई चढ़ सकता है क्या? बार बार कोई नई चीज़ ढूंढनी पड़ती और उसे ऊपर खींचकर हर सीढ़ी के पार जाना पड़ता। 18 सीढ़ियां थी तब जाकर महल के ऊपर तक पहुंच पाया था। यहाँ सपाट सा फर्श लगा हुआ था और सामने इतना विशाल गेट, बादलों के ऊपर तक गेट जा रहा था और उस गेट को खोलने में परेशानी तो हो रही थी, लेकिन फिर भी इतनी मुश्किल नहीं कि मैं खोल ना पाऊँ। अपने निकलने जितना वो रास्ता मैंने बना लिया और उस गेट को खोलते ही सामने बड़ी सी कुर्सी लगी हुई थी, सुनहरी रंग की कुर्सी, और उसके बीच में बैठी एक लड़की जो अपनी उंगलियों से नीचे फर्श पर छोटे छोटे प्यादे बिछा रही थी, बादल बना रही थी। आंखों के सामने ये सब देखा था मैंने। मैं भागता हुआ उसके सामने जा रहा था और मुझे देखकर वो हैरान, बेड़ियां कहाँ हैं तुम्हारी? तुम्हारे पैरों में बेड़ियां नहीं हैं? नियमों का उल्लंघन हो रहा है इस दुनिया में? हमारी सृष्टि को खराब किया जा रहा है? मैंने उससे माफ़ी मांगी और कहा, पहचाना मुझे? पहचाना? मुझे देखते ही वो हैरान सी हो गई। तुम इस दुनिया में? तुम यहाँ बिना बेड़ियों के कैसे पहुँच गए? तुम्हें तो खास सज़ा देनी थी उसने। लेकिन मैं उससे कहने लगा, क्या मतलब खास सज़ा देनी थी? क्या कर रही हो? उसने कहा, सृष्टि निर्माण। हमारी दुनिया में लोगों को क्या मिलता है? मुझे क्या मिला? मुझे क्या मिला? कभी कुछ नहीं, पागल खाने में रखा गया। लेकिन यहाँ नियम हमारे होंगे, अच्छे लोगों के लिए अच्छे नियम बनेंगे, सबको सब कुछ मिलेगा। मैंने कहा, हाँ, जैसे सबको मिल रहा है, बेड़ियों में बंधे लोग सजाएं मिल रही हैं। तो वो मुझ पर गुस्सा हो गई। ऐसा ही तो करना पड़ता है, शुरुआत में ऐसा ही करना पड़ता है। लोगों को थोड़ी शिक्षा तो देनी पड़ती है, तभी वो समझ पाते हैं हमारी दुनिया में ऐसे बेरहम लोगों को सजा नहीं मिलती। मैंने कहा, उस बूढ़े को भी जो काफ़ी छोटे आकार का हो गया है, कुबड़ निकला हुआ है, पेड़ के नीचे बैठा था, उसे बेड़ियों में बांधने की क्या ज़रूरत थी? उसने कहा, उसको नया शरीर दिया जाएगा, जब सृष्टि निर्माण हो जाएगा सबको सब कुछ मिलेगा। मैंने कहा, किसने कहा सबको सब कुछ मिलेगा? यहाँ सृष्टि निर्माण नहीं, इंसानों को कैद किया जा रहा है। वो भड़क गई थी, इंसानों को कैद नहीं किया जा रहा, इंसानों को आज़ाद किया जा रहा है। सपने अच्छे नहीं लगते तुम्हें? तुम्हें नहीं लगता जिंदगी जीते हो वो कितनी बुरी होती है? सब कुछ बुरा होता है, लेकिन सपने कितने अच्छे होते हैं, वो फीलिंग्स, वो एहसास कितना अच्छा होता है। सबको वो सब मिलेगा जो वो जिंदगी में चाहते हैं, यहाँ नियमों का पालन होगा। मैंने कहा, किसने कहा है तुम्हें ये? इंसानों को कैद किया जा रहा है, उस सृष्टि से खत्म किया जा रहा है और सबका अंत करेगा ये। कौन है ये? उसके मुंह से एक ही शब्द निकला था, बियॉन्डर, बियॉन्ड द इमेजिनेशन, यही नाम है उसका। वो इस सृष्टि निर्माण में मेरा साथ निभा रहा है, उसी ने तो किया है ये सब। उसके सिवा मैं सोच तक ना सकती थी कि ये किया जा सकता है, मेरी शक्ति को इस स्तर तक पहुंचाया जा सकता है, मैं रानी भी बन सकती हूँ, मुझे पता ही नहीं था। मैंने भी उससे कह दिया था, इंसानों का अंत करके कौन सी रानी बनोगी तुम? तुम समझ क्यों नहीं पा रही हो वो यहाँ पर कर क्या रहा है? वो मुझ पर भड़कती जा रही थी, तुम झूठ बोल रहे हो, इंसानों को यहाँ आज़ाद किया जाएगा, कैद नहीं। तब मैंने कुछ शब्द कहे जिससे वो हैरान हो गई थी। जब इंसान सपने में होंगे, कोमा में होंगे, हर इंसान कोमा में चला जाएगा तो इलाज कौन करेगा? वहां उनकी मृत्यु हो जाएगी और वो सपनों से भी गायब, वो पहुंच जाएंगे दूसरी दुनिया में। वो हर किसी को मारना चाहता है, सपनों की दुनिया नहीं बसाना चाहता। ये तो एक रास्ता है हर किसी को मारने का। तुम्हारे पास शक्ति है कि तुम हर किसी के सपने में जा सकती हो, हर किसी को सपनों में ला सकती हो। यहाँ पहुँचने के बाद कुछ समय वो यहाँ रहेंगे, उधर हर किसी की मृत्यु और वो सब पहुँच जाएंगे दूसरी दुनिया में। तुम्हारे साथ भी तो यही होगा, कितना समय यहाँ सपनों में बिता पाओगी? शरीर तो तुम्हारा हमारी दुनिया में है, जो धीरे धीरे बूढ़ा होगा और एक दिन खत्म भी हो जाएगा, तब तुम भी तो मरकर दूसरी दुनिया में जाओगी। पता है तुम्हें तब तुम्हारे साथ क्या होगा? उसके होश उड़ चुके थे, जैसे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। हाँ हाँ, सपने हमेशा के लिए नहीं रह सकते, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं।
चाहे कितनी सृष्टि निर्माण कर लो, यहां सृष्टि को बना लो, लेकिन हमेशा यहां रहा नहीं जा सकता। हमारी असली दुनिया ही सच्चाई है और मृत्यु भी एक सच्चाई है। यहां कोई मरेगा नहीं, मैं ये सोच रही थी, उसने यही कहा था। मैं अब उसे समझा रहा था, खत्म करो इसे, खत्म करो, तुम्हारी शक्ति के बिना वो ये सब नहीं कर सकता। अगर तुम हर किसी को कोमा से बाहर ले आओ तो वो कुछ नहीं कर सकता, वो रोती रोती कह रही थी। उसने जो करना था वो कर दिया। मैं रानी हूं, वो राजा, मेरी शक्ति उसी के पास है, मैं बस अब निर्माण कर सकती हूं, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। वो तीन द्वार बनाए हैं जो सपनों के राज को बांधे हुए हैं, वो तीन राज जो उसने कहा था उसकी जिंदगी के हैं, वो राज कोई पता नहीं लगा सकता। और उन तीनों दरवाजों का निर्माण किया मैंने, वहां पर उसके तीन राज हैं। वो तीन राज खुलने के बाद उसकी आज़ादी निकल आएगी। वो क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है, हर चीज उन द्वार के पार है, उसकी जीवन की जीवनी वहां है। तुम्हें उन तीन द्वार के पार जाना होगा, उसकी सच्चाई जाननी होगी, उन राज का खुलासा करना होगा जो उसकी जिंदगी से जुड़े हैं। वो कहां से आया है, वो कहां जाना चाहता है, वो क्या करना चाहता है। वो तीन द्वार तीन जवाब के साथ हैं। जाओ ढूंढो तीन दरवाजों को, वहां तीन पहाड़ों पर तीन दरवाजे हैं, तीन महल में तीन दरवाजे खजानों के साथ, वहां तुम्हें पहुंचना होगा। जल्दी करो, मैं उसे नहीं रोक सकती, वो हर किसी को अब यहां लाने वाला है हमेशा के लिए। तो आखिर कौन है द बियॉन्डर, बियॉन्ड द इमेजिनेशन? आखिर कहां से आया वो, क्या करना चाहता है, क्या है उसका बचपन? इन सवालों के जवाब आपको अगले एपिसोड में मिलेंगे। अगला एपिसोड बहुत ज्यादा रोमांचक होने वाला है, ढेर सारे राज से पर्दा उठने वाला है। तो जुड़े रहें हमारी इस सीरीज के साथ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में धमाकेदार एंडिंग के साथ। तब तक के लिए डरते रहें।